साथियों, आकाशवाणी जम्मू है, जावेद चौधरी तें खबर सुनो। सरकार ने दिफा ते कौमी सलामती ना मजबूत बनाने की खातर उन मुल्कां पर खरीद वास्ते पाबंदी ला दी है जिनकी भारत नाल सरहद लगे। खर्चा अखराजात महकमा की तरफों जारी एक हुक्मनामा के मुताबिक सरकार ने साल 2017 का आम खजाना जवाबत मांग तरमीम की है ताजे इन रुकावटा ना लागू की जा सके ते इन मुल्कां ते बोली लान इलाके भी सामान की खरीद नहीं की जा सके। यो फैसलो कौमी सलामती की बुनियाद पर ते सलामती ना ध्यान मां रखता मां लियो गयो है, खास कर उन मुल्कां वास्ते जिनकी सरहद भारत ना लगे। हुक्म के मुताबिक भारत की सरहद ना लगता मुल्कां ते काई भी बोली ताई लाई जा सके जे वो मुल्क कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी बाख्तियार अथॉरिटी नाल दर्ज की होवेगो। वजारत खारजा ने कहा है जे असल कब्जा लकीर की इज्जत करनो तो इस सिलसिला में आयन की ताबेदारी करनो ही अमन व सुकून की बुनियाद है। कल दिल्ली में वजारत खारजा का तर्जमान अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया नाल गलबात करते हैं कि जे 1993 ले गए उन तक भारत ते चीन बशकार हुआ कई समझौता ते करारदाद इस गल की तस्दीक करें जे इस साल चीनी दस्तों की हरकत ते बड़ा पैमाना पर फौज ना तैनात करनो बर्ताव में तब्दीली ते नी मनन आला दावा सब दोहां मुल्कां बिचकार हुआ व समझौतों की खिलाफवर्जी करनो है। उन्होंने कहा है जे भारत ने यो साफ कर दितो है जे भारत असल कब्जा लकीर ना मनन को वादा बंद है, मगर भारत असल कब्जा लकीर पर किसी किस्म की गलत हरकत ते एक तरफा कोशिश ना कतन बर्दाश्त नहीं करेगो। कल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू की सदारत में इंतजामिया कौंसिल की एक मीटिंग मुनक्कद की गई। इस मीटिंग को मकसद जम्मू कश्मीर में लोगों की शिरकत नाल जंगलात का तहफ्फुज़ और इसना फरोग देनो है। जनाब मुर्मू ने जम्मू कश्मीर हरी मुहिम 2020 जेडी जंगलात महकमा की तरफों तजवीज़ की गई थी न मंजूरी दे दी है ते क्यों है जे पिछला साल के मुकाबले इस बरह पौधा लान को निशानो दुगनो करनो है। साल 2021 में 15,000 हेक्टर हरासानी जंगलात इलाका में 100,00,000 बूटा लान को निशानो है और इस मकसद ना पूरो करने वास्ते पंचायती राज इदारा तालीमी इदारा फौज फौजी दस्ता ते सिविल सोसाइटी को तावन भी मंगे हुए ते ये बूटा महकमा जंगलात की तरफों मुहैया कराया जाएगा। इस तो इलावा यो भी कियो गयो है जे इस मकसद ना पूरो करने के नाल नाल कोविड-19 वबा के दौरान लखा बेरोजगार मजदूरों ना रोजगार का मौका भी मिलेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने तरक्याती पॉलिसियां ना बादो देन और उन्होंने अमली शक्ल देन वास्ते लोगों की शिरकत तावन मंगे हुए ते कहा है जे लोगों की शमूलियत इस सिलसिला में जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है जे सरकार का कमां ना मतो असरदार शफाफियत जवाबदार बनाने वास्ते तमाम इंतजामिया सतह पर लोगों की शिरकत जरूरी है। उन्होंने कहा जे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये गल अनंतनाग में एक अवामी रसाई प्रोग्राम के दौरान कही। यो प्रोग्राम लोगों ते उनकी मुश्किलात और परेशानी जानन नाले सरकार का कम काजा बारे उनकी राय हासिल करने बारे किया गया सिलसिला तहत लाए गए थो। इस दौरान उन्होंने शहरी बलदियाती इदारा ते पंचायती राज इदारा का नुमाइंदा तो इलावा 18 होर वफद नाल भी गलबात की। जम्मू कश्मीर में नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का 718 नवा मुस्बत मामला सामने आया है। इनमें 117 सजरा मामला सूबा जम्मू ते जबकि 601 मामला सूबा कश्मीर ते तालुक रखें ते हुण जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मामला की कुल तादाद 16,429 हो गई है। इस दौरान इस वबा की वजह ते 9 मौत भी दर्ज की गई हैं। रोजनामा मीडिया बुलेटिन के मुताबिक कुल 16,429 मुस्बत मामलों विचों 7,438 मुतरक मुस्बत मामला हैं। इस दौरान 8,709 लोग बल भी हुआ हैं ते इस दौरान वबा की वजह नाल 282 लोग वफात भी पा गया जिनमें 20 अफराद सूबा जम्मू जबकि 262 अफराद सूबा कश्मीर से तलुक रखें। मरकजी सरकार ने कहा है जे मुल्क में कोविड-19 का कुल 7,62,607 मामला ठीक हुआ है ते हूँ इस सिलसिला में बल होने वालों की शरह में इजाफो हो गया 63.18% हो गया है। सेहत खानदानी बहबूद बारे वजारत ने कहा है जे पिछला 24 घंटों के दौरान 29,557 बल होने वाला अफराद ने दर्ज किया गया है ते हूँ तक बेहतरी में इजाफो होने वाली मुल्क में कोविड-19 से ठीक होने वालों की या सब ते मती शरह है। वजारत सेहत ने कहा है जे मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान नोवल कोरोना वायरस का 45,720 नवा मुस्बत मामला सामने आया है ते हूँ मुल्क में कोविड-19 मामलों की कुल तादाद 12,38,635 हो गई है।
इसके नाली गोजरी में खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।